सही होगा इसका चाल, उम्मीद करते सब बढ़िया होगा। आज की वीडियो में हम खेलने खेलने वाले, हम थोड़ी थ्योरी एक्सप्लेन करने वाले हैं अबाउट हिमलैंड्स। क्या आपको हिमलैंड्स के बारे में पता ही होगा, क्या हिमलैंड्स किस चिड़िया का नाम है? पता ही होना चाहिए आपको हिमलैंड्स क्या है। बता नहीं पता तो ये सीरीज है स्मार्टी पाई ड्रीम बॉय एनर्जी 18 रेप की, वैसे होली पता ही होगा तभी इस वीडियो पे क्लिक करा होगा थंबनेल वगैरह देख के। सो जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं थ्योरी के बारे में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कि होने क्या वाले हैं आगे, मतलब मेरी थ्योरी है, कुछ मुझे पता नहीं, मैं लीक नहीं कर रहा, मैं दावा नहीं कर रहा कि ये मैंने ही बनाई है, बट या आई होप सो यही हो सकता है, एक्सपेक्टेशन यही है ये मैंने बनाई है। सो होपफुली होगा क्या, अभी लाइक इसने वो कर दिया सेफ, अभी आप लेटेस्ट एपिसोड देख के आओ तभी करो क्योंकि स्पॉइलर अलर्ट पहले से ही। सो लाइक अभी मेरे पिछले एपिसोड में हुआ है कि ये स्मार्टिफाई दर्द करके ड्रीम कैचर से देखता है कि विजार्ड को बचा लेगा, ये स्मार्टिफाई विजार्ड को बचा लेगा, फिर अभी मेरा स्टार्ट हो रहा है ठीक है। सो फिर ये स्मार्टिफाई अपने विजार्ड को बचाएगा, फिर विजार्ड को बचाने के बाद वो उसको तीनों मिलके एजियो फलाना जी एंड फलाना जी ने मतलब एजियो ड्रीम बॉय स्मार्टिफाई मिलके फलाना जी का कत्ल करके मार डालेंगे, फिर उनके बीच में लड़ाई होगी कौन किंगडम का राजा बनेगा। और बट उसके पास वो जो विच थी जिसने वो पर्पी को बहुत गंदा पेला था, विजार्ड जब बन गया था पर्पी उसको पेला था वो, और यस्मार्टिफाई के विजार्ड होगा तो वो राजा बन जाएगा। तो फिर राजा बनने के बाद यस्मार्टिफाई के बड़े सारे हीटर बन जाएंगे और एजियो और ड्रीम बॉय प्लान करेंगे, वो गुस्से में आ जाएंगे, फाइट वगैरह से जीत नहीं पा रहे होंगे तो वो चुपके से आएंगे, अनब्रेकेबल ब्लॉक्स तोड़ने वाली पिकैक्स करेंगे और उसको अनब्रेकेबल वाले पिकैक्स लेके जो होगा लाला हुआ लाला सारे मतलब डार्क एंटिटीज को रिलीज कर देंगे। फिर बट जैसे इस मल्टीपल को पता लगेगा तो शॉक होगा, वो जाके पूछेगा, फिर वो बोलेंगे उनको बहुत रिग्रेट होगा, तो फिर वापस वो जो तीनों एजियो एजियो वगैरह जितने भी है सारे फिर वापस आएंगे, और क्या बट फलाना जी भी वापस सब तक आ चुका होगा क्योंकि वो कहीं और स्पॉन हुआ था बट वजह से बच के आगे होगा, तो तीनों वापस लड़ेंगे हम सबके हुआ लाला से। और बट शायद फिर फलाना जी उन्हें वापस बिट्रे कर देगा और हुआ लाला की साइड ले लेगा जान बचाने के चक्कर में, फिर वो फाइनल गेम तमाम करेंगे फलाना जी का और होगा लाला हुआ लाला से निपटने का करेंगे, और इनकी बस फिर होगी वॉर, बट इस वाली वॉर पहले की तरह नहीं होगी, इनके पास पूरा किंगडम है, कमांडर है, विजार्ड है, विच है, लाइब्रेरियन है और भी बहुत सारे लोग हैं, तो ये लड़ाई बहुत मस्त होगी। और यहाँ तक किंग के साथ शायद पर्पल और पर्पल डेविल तो शायद मेरे हिसाब से नहीं होगा क्योंकि डेविल है और वो डार्क एंटिटीज की साइड लेगा, बट होपफुली यही होगा आगे की स्टोरी में। सो एक छोटी सी वीडियो थी, अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, तब मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ऑसम मैन, बाय बाय। और गाइस आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ऐसी वीडियो अगर आपको चाहिए आप कमेंट में टॉपिक मुझे बता सकते हो, विच टॉपिक डू यू वॉन्ट टू डू, और या थैंक यू फॉर वीडियो, तो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, बाय बाय, ओके चलो बाय बाय।